खाएंगे। मैंने नहीं खाया, मैं नहीं दूंगी, सॉरी। तुमने मेरा स्लाइस खाया? स्लाइस दे। जी, हम आंडे डाल दें। वेलकम टू एच के जर्नी, दिस इज मी खिजरा। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू वेरी ब्यूटीफुल डे। यहाँ पे जी हम लोग, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग खाला की तरफ चले गए थे, तो ये उस व्लॉग का सेकंड पार्ट है। घर आके जी फिर हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि स्माइल आती जी किस चीज से बोला है? हाँ जी बोला है पोप ने। शाबाश शाबाश शाबाश, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। यार 12 बजे हम घर चले जाएंगे, मजाक के अलावा। वहाँ मटन था जो मैंने नहीं खाना था, मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ आते साथ जी भी खाना वगैरह बनना शुरू हो गया था। मैंने, भाई ने और मेरी कज़न ने, हम लोगों ने खाना नहीं खाया था वहाँ पे। तो फिर घर आके जी खाला ने मेरी अंडे कोफ्ते बनाए हुए थे, हम लोगों ने उसके साथ नान वगैरह मंगवा लिए थे, फिर हम सब ने वो खा लिया। और उसके बाद जी टाइम काफ़ी हो चुका हुआ था, क्योंकि सब ने दोपहर का खाया हुआ था, क्योंकि दोपहर का मिला था। उसके बाद यहाँ पे वापस हाँ जी, तो फिर पापा सबसे बात कर रहे थे, हमने पापा से पूछ लिया था कि हम यहीं रहेंगे। पापा को हमने यानी कि बता दिया था कि आज रात को हम लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग कल आएंगे। और यहाँ पे जी बड़ी नानू भी पापा से बात कर रही थी, फिर छोटे नानू ने भी बात की, सब ने पापा से बात की। वापस टॉपिक पे आते हैं कि इम्तियाज़ गई मेरी कज़न, वहाँ से कीमा नहीं मिला, वो क्लोजिंग टाइम हो चुका था, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद सब ने सोचा ये क्या खाएं, फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि आलू मटरों वाला पुलाव बनाया जाए, यानी कि चावल बना लिए जाएं। फिर वो बनाए और सब ने बहुत मज़े से खाए, साग भी पड़ा हुआ था, मेरी खाला ने उसको भी तड़का लगा लिया था, इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें जी, मामा ने बनाए थे आलू मटर वाले चावल, कटिंग वगैरह सब साथ लगे हुए थे, सलाद वगैरह भी बना रहे थे, बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। कान आपको पता है, एक सेकेंड में नहीं रुकता। हाँ अब बिस्मिल्लाह। यहाँ पे जी सलाद भी तैयार हो चुका था, कटिंग हो चुकी थी सारी, सबके सब साथ ही लगे हुए थे। मम्मा चावल बना रही थी, देखें जी चावल भिगो के रख दिए हुए थे, और उसके बाद अब डाल दिए थे यहाँ पे, जैसे चावल बॉईल होने हैं यहाँ पे, उसके बाद जी दम लगा देना है। और साथ साथ ही बर्तन भी धुले जा रहे हैं, सब कुछ साथ साथ हो रहा था, कि सफाई भी साथ साथ ही रहे। नमक यहाँ पे कम था, और यहाँ पे जी प्याज भी प्याज कटिंग हो रहा था, वो भी यहाँ पे रख देंगे। ये इतना मज़े का लग रहा था, इतना मज़े का लग रहा था, सब कह रहे थे जिन्होंने नहीं खाना ना वो भी सबसे पहले बैठे होंगे खाने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी थे। और उसके बाद जी ये देखें जी, अब हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली सब ने खाना खाने से पहले, ग्रुप पिक्चर्स थी यहाँ पे, जनरेशन वाइज भी था सारा। मैं उसकी वीडियो भी अटैच करूँगी ज़रूर, अटैच तो नहीं करूँगी मैं, शॉर्ट्स में डालूँगी इंशाल्लाह। और अब यहाँ पे जी खाना लग चुका था, सब खाना खाने के लिए बैठ गए थे। जी अलाफी। फिर जी मामी मामू वगैरह घर चले गए थे, क्योंकि उनके बच्चे घर थे, मेरे कजन्स जो थे घर भी थे, वरना वो यहीं रह लेते अगर वो साथ आए होते। और ये जी हम लोगों ने जनरेशन वाइज पिक्चर ली थी, वीडियो भी बनाई थी। पहले जी बड़ी नानो थी, उसके बाद नानो थी, छोटे नानो, मेरी नानो की डेथ हो गई हुई है, तो उनकी जगह इनसे भी हमारा सेम प्यार है, इसी तरह जैसे नानों के साथ होता है। तो
उनकी जगह मेरी छोटी नानो थी, फिर सात मामा थी, फिर मैं थी और हकान था। ये 5 जनरेशन की हम लोगों ने वीडियो बनाई थी। उसके बाद जी सब बातें वगैरह करते रहे, फ्रूट और खाए और फिर जी सो गए थे सब और सुबह हो गई। उधर नाना चले जाए ये वीडियो जो मेरी कज़न ने बनाई थी, क्योंकि मैं सो रही थी यहाँ पे। मैंने रात को ही कह दिया था कि मेरे उठने से पहले जो भी होगा तो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेना। और फिर जी मैं उठी थी तकरीबन 12 बजे, मेरी कज़न भी लेट उठी थी। फिर हम लोगों ने नाश्ते वगैरह का किया यहाँ पे जी। एग्स बॉयल हो चुके थे, दही भी तैयार थी, चने भी तैयार थे। और फिर जी नहाने लेने चला गया हुआ था मेरा कज़न। चलो इसका जी, चने गर्म हो गए हैं हमारे। यही डालूंगी मैं। हो गई है और ये हमारी ओवन में क्या है, चीनी भी रेडी हो गई है, शुगर भी डल चुकी है। झूठ ना बोलो, वैसे ऐसे ही थी। ले ले ले, पहले अंडा में ना डाल दे ये जी, हम अंडे डाल रहे हैं। प्लीज एग्स नहीं, ऐसे ही आएगा अब। बॉयल एग्स मेरे लदा रख देना, ये लदे जा रहे हैं। नहीं हाँ यार, साक्षी तो डलना, कौन सा चार डल नहीं, ये तो अभी घर जा रही थी। यार कितना टाइम लग जाए ना, कल इसने स्कूल जाना है। सबने नाश्ता कर लिया था, भाई सो गया था, कजन्स भी लेट गए थे मेरे, निकाह की वीडियो आ चुकी हुई थी, फिर हम लोगों ने वो देखी। मैं चूड़िया रात की नहीं तारी में कड़े, नींद कैसे आ गई थी। आसमानी और मैंने नमाज पढ़ी। हकान यहाँ पे बोर हो रहा था, बहुत कह रहा था मैंने खेलना है, और मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, ये वो इसके गिले ही रहते हैं। और मेरी खाला जो थी यहाँ पे जी, जो ऊपर उनके कबूतर आते हैं और कवे वगैरह आते हैं, उन सबको खाना डालने जा रही थी, नान डालने जा रही थी पीसेस करके, पानी भी उन्होंने डाल दिया था। और ये देखें जी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ऊपर आके। और उसके बाद जब हम लोग नीचे जा रहे थे दोबारा से, फिर हकान भी हम लोग को ऊपर ले आया था कि कह रहा था कि मेरे साथ खेलें बैडमिंटन, और हम लोग सारे जी फिर ऊपर बैडमिंटन वगैरह खेलने आ गए थे। चल जा भाई, बिस्मा बिस्मा ने कहा आप कर ले। मामा हमने ज्यादा मुझे अभी मुर्खा बन जा।
खैर है बहुत साफ किए हुए हैं पहले उसने, गंदे किए हुए हैं। गंदे ही हैं, साफ कहाँ छोड़े हैं उसने। कपड़े ऊपर करो अपने, कपड़े ठीक करो, कमर नजर आ रही है, सर्दी लग जाएगी। अब जी मगरिब स्टार्ट हो गई थी, फिर हम लोगों ने जी हकान से कहा कि अब बस करते हैं, हकान अभी भी नहीं थका था, करते मैंने और खेलना है। फिर फाइनली जी अब हम लोग नीचे जा रहे थे, फिर जाकर जी हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह खाए। उसके बाद जी खाला ने मेरी चार गोश्त भी रेडी किया, खाला ने मेरी कज़न ने किया था, राइस भी पड़े हुए थे, हकान ने राइस खाए थे, हम लोगों ने चार गोश्त खाया था, बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया। फाइनली चार गोश्त हो गया रेडी, नज़र तो आई नहीं रहा जैसे। अब ये देखें, ये मिर्च है, मुझे लगा अदरक है। इसको हम डालेंगे दम के टाइम पे। क्या क्या तुबा, तुम क्या 2 साल की बच्ची हो, ये जो पापड़ खा रही हूँ। ये आप ही लेके आई हैं, ये अंदर की बातें नहीं बताते हैं, बदतमीज। हाँ कहाँ होता, उसने कहा था चलो नेक्स्ट। मुझे लगता है कच्चे हैं ये दानिश, इसे कच्चे तो आते नहीं। नहीं कच्चे नहीं है, हम इस तरह वो पोका है, कच्चे हैं बिस्मा, कच्चे हैं अंदर। क्या था कि मुझे छुपाना ना पड़े, क्यों? और दानिश तू नीचे घर आई जा। हेलो, यू वांट टू ईट? कुछ नहीं है ना, ने मेरा सिर पर लाता है। पापा ने कहा ना बस कहीं जा रही है, भेज नहीं रही है। जाएंगे तो भेजूंगी ना। इन्होंने मेरा सिर पर लाता तीना चारा दिन आने। यार मैंने स्लाइस भी खा लिया दानिश। ये कौन सा मुंह है, मैं ऑर्डर तो नहीं खाना खाना। कटिंग करवानी है फिर क्लोज कर रही हो। ओके कान देखो, सब शेयरिंग कर लो, कान देखो, सब शेयरिंग कर लो। हकान इधर देखो, वो सिंगल पीस जैसे मर्जी का डेकोरेशन को थी। ये सब गंदला खाने के बाद पापा ने देख लिया ना, पापा ने बोला है क्योंकि मुझे स्टमक प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं खानी ऐसी चीजें, चलो कभी कभार तो हो ही जाता है। हाँ मैं नहीं हो सकती, सीधे आंसर गिरना। अब अब जी हम लोग घर के लिए रुखसत होने लगे हैं, यहाँ पे हम लोग कह रहे थे अब नेक्स्ट प्लान हम लोगों का कब होगा। और फाइनली जी यहीं से व्लॉग का एंड होता है, होप कि आप लोगों को व्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर
एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोग व्लॉग्स देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, टिल देन बाय।